वेलकम गुजरांवाला के अंदर, तो गुजरांवाला की आवाम ने खान साहब का कैसा इस्तकबाल किया यहाँ? मैं समझता हूँ बहुत शानदार इस्तकबाल किया है। मैं यहाँ पर एक नहीं कई मरतबा पहले भी अपना मार्च करते हुए गुजर चुका हूँ और मैंने जितनी इस वक्त पजीराई देखी है ये पिछले किसी भी मार्च से हज़ार गुना ज़्यादा है। और हम ये तवक्कु रखते हैं कि एक शऊर जो है गुजरांवाला के लोगों के अंदर पैदा हो चुका है और वो शऊर बिल दर हकीकत इस बात का है कि पाकिस्तान के अंदर एक मुस्बत तब्दीली की ज़रूरत है कि जिसमें इंसाफ की हुक्मरानी हो, हुक्मरानों का इंसाफ ना हो बल्कि इंसाफ की हुक्मरानी हो। इसलिए कि इंसाफ एक मुआशरे को वो बुनियादी हुकूक दे देता है कि हर आदमी हर इंसान उसके अंदर बराबर होता है, बड़ा और छोटा नहीं होता। तो इसलिए सारी तहरीक इंसाफ की जद्दोजहद इंसाफ का निज़ाम कायम करने के लिए है और हम ये समझते हैं कि जो रिजीम चेंज हुई थी एक साजिश के नतीजे में वो फेल हो चुकी है, सिवाय इसके कि उन्होंने अपने आप के लिए एनओआर टू ले लिया और 1100 अरब रुपया वो हड़प कर गए हैं और अपनी करप्शन को उन्होंने तहफ़ुज़ दे दिया है। वरना ये सारे जराइम पेशा लोग हैं और इनको चाहिए था कि लोग कोशिश करते कि जल्द अज़ जल्द इलेक्शन की तरफ चले जाते। क्यों? इसलिए कि 2018 के इलेक्शन को ये हमेशा कहते रहे हैं कि वो डाउटफुल हैं, वो ठीक नहीं थे, इमरान खान सेलेक्टेड है। तो अगर उनको उसके ऊपर एतमाद और यकीन नहीं था तो अब इंतखाब करा लें, यही हमारा सादा सा मुतालबा है। तो सर अभी इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च पहुँचने से पहले क्या इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम अपने जद्दोजहद के मकासद के अंदर हर कदम पे कामयाब हो रहे हैं। और रात को एक नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया कि खान साहब के काफिले के अंदर 2000 से ज़्यादा लोग नहीं हैं, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? नवाज शरीफ एक भगौड़ा है और ना उसके दिल की आंखें हैं ना दिमाग की आंखें हैं, उसे कुछ सुझाई नहीं देता सवाए इसके कि वो एक झूठा शख्स है। वो यहाँ पर यानी सजा याफ्ता भी है, मुजरिम भी है और मफरूर भी है, इसलिए उसकी किसी बात के ऊपर कोई एतबार नहीं करता। तारीखी तौर पे ये चीज़ साबित है कि जो लोग मुजरिम हों उनकी गवाही कबूल नहीं की जाती।